सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अगर आप लोग इस सूचना को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लोग का भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सीबीएसई ने साफ तौर पर दोस्तों नोटिस मेंशन करके बता दिया है। चलिए उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी पुस्तक को नवीनतम पाठ्यक्रम पर बनाया गया है। आपके सिलेबस को देखते हुए 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। और खास बात यह है कि 2011 से लेकर अब तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, संपूर्ण पेपर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एकदम पुस्तक को नवीनतम पाठ्यक्रम पर बना दिया गया है। और खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर वहां से Amazon Flipkart के माध्यम से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं प्रश्नों को आसान भाषा में। ठीक है, पुस्तक वही अच्छी होती है जिसमें आसान भाषा में प्रश्नों को डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इस पुस्तक को खरीद कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और एक बार दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की बुक, गाइड, प्रैक्टिस सेट सभी आते हैं, आप लोग जाकर के खरीद सकते हैं। हिंदी, गणित, इंग्लिश, अलग अलग पुस्तक भी खरीद सकते हैं। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया। जय हिंद। पहली बार की गलतियों को देखते हुए सीबीएसई ने इस बार पहले ही सभी को सुझाव दे दिया है कि ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और रिजेक्ट पिछली बार हुए थे और लाखों अभ्यर्थियों के दोस्तों रो रहे थे क्योंकि उन्होंने गलती की थी। चलिए पूरी न्यूज को देख लेते हैं। सीबीएसई द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई ने साफ तौर पर कहा है कि अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन करें और आवेदन जल्दी करें, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी पहले आवेदन करेंगे, यहां पर दिया है कि उनका सेंटर दोस्तों उनका मनपसंद सेंटर दे दिया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने अभी साफ किया है कि अगर अभ्यर्थी फोटो, सिग्नेचर और फॉर्म में गलती करते हैं तो उनकी खुद की गलती होगी, इसके लिए सीबीएसई को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं और उनको संशोधन का भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है। सीबीएसई का कहना है कि फॉर्म जल्दी से भरें और फॉर्म की आवेदन की तिथि भी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं। इसका आप लोगों का दिया जाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग सफलतापूर्वक ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना। बाकी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट संबंधित क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। हाँ, फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चे